मैनपुरी तहसील घरोर क्षेत्र की ग्राम पंचायत नगलापुर में दबंग भूमाफिया संजीव कुमार मिश्रा के द्वारा भूदान एवं मैदान की 68 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था तथा भूदान की कुछ जमीन को बेच दिया था और उस जमीन पर गेहूं, सरसों और आलू की फसलें खड़ी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ब्रह्मचंद्र के द्वारा शिकायत दर्ज की गई और दर्ज कराने के बाद जिला प्रशासन ने जमीन को लेकर जमीन की नापतोल कराई और इसके बाद अपर जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी घरूर NS शर्मा ने पुलिस फोर्स और बुलडोजर के साथ जमीन को तुड़वा दिया और दबंग भूमाफिया संजीव कुमार मिश्रा से जमीन को मुक्त करा दिया गया। बस 68 बीघे जमीन है जिसमें 48 बीघे जमीन जो है भूदान कमेटी मैनपुरी की है और 17 बीघे जमीन खेल के मैदान और ग्राम समाज की है, जिस पर अशोक कुमार दीक्षित पुत्र विजय बहादुर, तिवारी लाल पुत्र रामचंद्र, संजीव कुमार पुत्र श्री कृष्ण, सुधीर कुमार पुत्र श्री कृष्ण, सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कृष्ण, जगदीश प्रसाद पुत्र जया प्रसाद, श्याम सिंह पुत्र जया प्रसाद और इनके अलावा और भी अन्य कई लोगों का अवैध कब्जा था जिसे आज हटवाया जा रहा है। भूमाफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है सर, पुलिस फोर्स की किस तरह की व्यवस्था की गई है सर? इस मामले में SDM घिरौर द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है, कब्जा हटवाया जा रहा है जी। इसमें थाना घिरौर और थाना औसा की संयुक्त रूप से पुलिस बल लगाया गया है जी, कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से, और जो कार्रवाई हो रही है विधिक कार्रवाई हो रही है। सर अगर जो ये बात करें जो भूमाफियाओं के विरुद्ध की जाए तो उनके खिलाफ भी कोई मुकदमा वगैरह पंजीकृत किया गया है अभी? इस संबंध में आपको अवगत कराया जाएगा, जो कार्रवाई है इसके संबंध में आपको अवगत कराया जाएगा। ठीक है सर।